so i'm sure you can easily do this warm-up on your own now let's read the objective of this chapter in this chapter friends first we will understand concept of movement of animals then we will move to our next topic which is food for the animals how animals breathe sense organs how animals reproduce how animals and plants depend on each other फ्रेंड्स तो इस वीडियो में आज हम बहुत सारे कंसेप्ट सीखने वाले हैं अबाउट एनिमल्स एंड प्लांट्स सो लेट स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स नाउ वी नो व्हाट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि लिविंग थिंग्स क्या होती है और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है बोत एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स एनिमल्स और प्लांट्स दोनों ही लिविंग थिंग्स हैं बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मेनी वेस पर वो एक दूसरे से काफी अलग हैं लेट्स एक्सप्लोर सच डिफरेंसेस इन दिस चैप्टर एंड एंड अंडरस्टैंड हाउ एनिमल्स प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल तो आज इस चैप्टर में हम इन दोनों में जो डिफरेंसेस है वो समझेंगे और आखिरी में हम समझेंगे कि इतने डिफरेंसेस के बावजूद भी ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है अपनी सर्वाइवल के लिए एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड वाटर एंड शेल्टर तो फ्रेंड्स अब हम अगर मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स की बात करते हैं तो जो एनिमल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं मूव करते हैं अपने खाने के लिए पानी के लिए और शेल्टर के लिए दे कैन वॉक फ्लाई रन जम्प स्विम क्रॉल एंड ग्लाइड तो जो एनिमल्स हैं वो अलग अलग तरह से मूव कर सकते हैं वो चल सकते हैं उड़ सकते हैं भाग सकते हैं जम कर सकते हैं स्विम कर सकते हैं एंड एटसेट्रा द एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड लोकोमोशन और फ्रेंड्स जो एनिमल्स में ये एबिलिटी है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की उसे हम कहते हैं लोकोमोशन एंड द बॉडी पार्ट दैट एनिमल्स यूज फॉर लोकोमोशन और फॉर मूवमेंट आर कॉल्ड लोकोमोट्री ऑर्गन्स और जो बॉडी पार्ट्स एनिमल्स को हेल्प करते हैं एनिमल्स जिनको यूज करते हैं मूव करने के लिए उन बॉडी पार्ट्स को हम कहते हैं लोकोमोट्री ऑर्गन्स। क्या कहते हैं लोकोमोट्री ऑर्गन्स कौन कौन से लोकोमोट्री ऑर्गन्स होते हैं फ्रेंड्स एनिमल्स में यस, yes, उनके लेग्स हो गए उनकी ये टेल भी मूव करने में हेल्प करती है फिर अगर हम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स के जो ये विंग्स होते हैं वो हेल्प करते हैं उनको मूव करने में फिर अगर हम एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि फिश की बात करें तो उसमें उनकी फिंस हेल्प करते हैं उनको स्विम करने में मूव करने में ठीक है अब ये तो हमने देखा कि भाई एनिमल्स में कैसे क्या मूवमेंट होती है अब हम बात करेंगे प्लांट्स की हाउ एवर प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड दे प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड रिमेन फिक्स्ड टू द ग्राउंड और uh, फ्रेंड्स जो प्लांट्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते जो उनको अगर खाना चाहिए तो वो खुद ही बनाते हैं कौन बनाता है प्लांट्स में उनके लिए खाना फ्रेंड्स यस यस यू आर राइट लीव्स लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट तो वो अपना खाना खुद बनाते हैं और वो ग्राउंड में फिक्स रहते हैं कौन फिक्स रखता है उनको उनकी ये रूट्स तो फ्रेंड्स हमने देखा कि एनिमल्स में मूवमेंट होती है बट प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते नाउ नेक्स्ट इज फूड फॉर एनिमल्स प्लांट्स मेक देयर फूड यूजिंग सनलाइट एयर एंड वॉटर बट एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर फूड जो प्लांट्स हैं वो तो अपना खाना खुद बनाते हैं हमने देखा ना लीव्स बनाती हैं क्या क्या यूज करके सनलाइट एयर और वाटर यूज करके बस जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते वो या तो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है खाने अपने फूड के लिए या दूसरे एनिमल्स पर डिपेंडेंट है एनिमल्स एंड रैबिट्स ईट प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जो सिर्फ प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स ही खाते खाते हैं जैसे कि काव हो गए गोट हो गई रैबिट्स हो गए डियर हो गया ये सब जो हैं ये एनिमल्स ऐसे हैं ईट प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स बट एनिमल्स सच एस लायगर्स एंड वर्स ईट अदर एनिमल्स बट काफी सारे एनिमल्स ऐसे भी हैं फ्रेंड्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनका फ्लैश खाते हैं फॉर एग्जाम्पल लायन टाइगर वुल्फ्स लेपर्ड ये सब क्या है ये सब ऐसे एनिमल्स हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं देखिये यहाँ पे हमें ये फोटोस भी ये पिक्चर्स भी दिखाई गई है ये यहाँ पे ये एनिमल्स uh, हैं ये दोनों जो क्या खा रहे हैं वो प्लांट्स खा रहे हैं बट यहाँ पर ये जो एनिमल्स हैं ये दूसरे एनिमल को खा रहे हैं ओके नाउ अ फन फैक्ट फॉर यू मशरूम्स एंड मोल्स आर नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड मैटर फ्रेंड्स कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जैसे कि मशरूम्स और मोल्स तो ये जो प्लांट्स हैं ये अपना खाना खुद नहीं बना पाते ये अपना फूड लेते हैं फ्रॉम डेड एंड मैटर इज हाउ एनिमल्स ब्रीथ अब हम फ्रेंड्स देखेंगे कि एनिमल्स ब्रीथ कैसे करते हैं और प्लांट्स कैसे ब्रीथ करते हैं सम एनिमल्स लाइक डॉग्स मंकीज एंड हॉर्सेस हैव लंग्स दे ब्रीथ इन एयर थ्रू their नोजेस तो फ्रेंड्स कुछ एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि ये डॉग है मंकीज हैं हॉर्सेस हैं तो इनके लंग्स होते हैं जैसे कि हमारे ह्यूमन बींग्स के लंग्स होते हैं ऐसे ही बहुत से एनिमल्स के लंग्स होते हैं और वो ब्रीथ करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर नोज जैसे कि हम अपनी नोज से अंदर बाहर सांस लेते हैं ऐसे ही ये भी करते हैं नाउ फिश ऑन द अदर हैंड डू नॉट हैव लंग्स दे ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स इन वॉटर फ्रेंग्स uh, हम एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें जैसे कि फिश की तो फिश के पास देखिए ये गिल्स होते हैं इनके लंग्स नहीं होते वो इन गिल्स की मदद से पानी में ब्रीथ करते हैं नाउ इफ यू टॉक अबाउट इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाइज कॉक्रोचेस एंड फ्लाइज दे ब्रीथ थ्रू एयर होल्स ऑन देयर बॉडीज अब ये जो फ्रेंड्स इंसेक्ट्स होते हैं इनकी बॉडी पर एयर होल्स होते हैं और इन एयर होल्स की मदद से ये ब्रीथ करते हैं ठीक है तो हमने देखा कि भाई कैसे अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग ऑर्गन्स हैं ब्रीदिंग के लिए नाउ वॉट अबाउट प्लांट्स प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी पोर्स ऑन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा फ्रेंड्स प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उनमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं देखिए यहाँ पे उसको हमें जूम करके भी दिखाया गया है कि वो जो पोज होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं वो ऐसे दिखते हैं और स्टोमेटा की मदद से वो ब्रीथ करते हैं क्या करते हैं फ्रेंड्स वो वो कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेते हैं और ऑक्सीजन हवा में छोड़ते हैं है ना तो ये हमने देखा फ्रेंड्स कि कैसे एनिमल्स और प्लांट्स ब्रीथ करते हैं कितना अलग ब्रीदिंग प्रोसेस होता है इनका इनके नेक्स्ट इज सेंस ऑर्गन एनिमल नोज एंड टंग्रेंड्स जो एनिमल्स होते हैं, so, हैं उनमें हमारी तरह ही पांच सेंस ऑर्गन होते हैं स्किन आइज ईयर्स नोज और टंग दीज सेंस ऑर्गन्स हेल्प देम एक्सप्लोर देयर सराउंडिंग्स एंड कॉम्युनिकेट विद ईच अदर और इन सेंस ऑर्गन्स की वजह से ही वो सराउंडिंग्स को आसपास एक्सप्लोर कर पाते हैं फील कर पाते हैं समझ पाते हैं बट प्लांट्स दे डू नॉट हैव सेंस सेंस ऑर्गन्स। बट फ्रेंड्स प्लांट्स के पास ऐसे ऑर्गन्स नहीं होते हैं नाउ नेक्स्ट हाउ एनिमल्स रिप्रोड्यूस प्रोड्यूस सम एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड फिश प्ले एग्स चाइनी बेबीज हैच फ्रॉम दीज अ कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि बर्ड्स हो गए फिश हो गई ये अंडे देते हैं और इन अंडों में से बेबीज हैच आउट करते हैं कुछ टाइम बाद इन एग्स में से बेबीज हैच आउट होते हैं ठीक है तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एग्स देते हैं नाउ अदर एनिमल्स लाइक काउस डॉग्स लायंस गिव बर्थ टू यंग वन फ्रेंड्स uh, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सीधा यंग वंस को ही पैदा करते हैं जैसे कि हम ह्यूमंस के यंग वंस होते हैं ना ऐसे ही बहुत सारे एनिमल्स के यंग होते हैं जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं हमें काओ के डॉग के लायन के कैट के टाइगर के बेयर के बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं फ्रेंड्स अब ये तो हमने देखा दैट हाउ एनिमल्स रिप्रोड्यूस व्हाट अबाउट प्लांट्स प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस प्लांट्स प्रड्यूस सीड्स दीड्स ग्रो इन टू अ न्यू प्लांट अब फ्रेंड्स जो प्लांट होते हैं वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं विदेल्प ऑफ सीड्स ये जो सीड्स होती है वो ग्रो होती है न्यू प्लांट्स में देखिए यहां पर हमें दोनों के ही ये दोनों एनिमल्स और प्लांट्स की पिक्चर्स दिखाई गई है ये एनिमल्स हैं जो एग्स ले करते हैं और ये देखिए यहाँ पे एनिमल दिखाए हैं काओ जो यंग वंस को पैदा करते हैं और फिर ये हमें पिक्चर दिखाई गई है कि प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर सीड्स ये सीड्स हैं फ्रेंड्स और सीड्स धीरे धीरे ग्रो होती है एक न्यू प्लांट में तो ये ऐसे इन दोनों का एनिमल्स और प्लांट्स का रिप्रोडक्शन प्रोसेस चलता है अब फ्रेंड्स हमने देखा कि दोनों प्लांट्स और एनिमल्स लिविंग बींग्स होते हुए भी एक दूसरे से बहुत अलग हैं बहुत सारे डिफरेंसेस हैं दोनों में बट स्टिल दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर How? कैसे लेट्स फाइंड आउट एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड इच अदर टू सर्वाइव फ्रेंड्स एनिमल्स और प्लांट्स को दोनों को एक दूसरे की जरूरत है इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन विच इज यूज बाय एनिमल्स टू ब्रीथ वाइल्ड एनिमल्स ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज यूज बाय प्लांट्स टू प्रिपेयर देअर फूड जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं अभी हमने देखा पीछे कि भाई वो जब ब्रीथ आउट करते हैं तो वो ब्रीथ आउट क्या कर रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड दे ब्रीथ आउट ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन यूज करते हैं एनिमल्स सांस लेने के लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए ब्रीदिंग के लिए एनिमल्स को और एनिमल्स क्या ब्रीथ आउट करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट करते हैं जो प्लांट्स को चाहिए अपना खाना बनाने के लिए हमने देखा था कि प्लांट्स को अपना फूड बनाने के लिए उनको हवा चाहिए हवा में क्या चाहिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उनको सनलाइट चाहिए वाटर चाहिए तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उनको ये एनिमल से मिलती है ठीक है तो देखा हमने कि कैसे वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है इसी तरह से प्लांट्स प्रोवाइड शेल्टर टू एनिमल्स एंड एनिमल्स, एनिमल्स हेल्प प्लांट्स टू स्प्रेड सीड्स और फ्रेंड्स जो प्लांट्स होते हैं वो एनिमल्स को शेल्टर यानी घर प्रोवाइड करते हैं हमने देखा है कि भाई कैसे ये जो बर्ड्स होते हैं वो अपना नेस्ट बनाते हैं ट्रीज पर आपके आसपास भी आपके घर के आसपास आपके स्कूल के आसपास ट्रीज होंगे फ्रेंड्स आप देखते होंगे कि कितने सारे बर्ड्स वहां बैठते हैं अपना नेस्ट बनाते हैं या रेस्ट करते हैं चहचाते हैं वहां पर बैठ के और बाकी जो बड़े एनिमल्स होते हैं वो भी छाया में ये ट्रीज के नीचे आ, नीचे आके बैठते हैं राइट और हमने हमें ये भी पता है कि भाई जो प्लांट्स हैं वो फूड देते हैं एनिमल्स को तो इस तरह से ये डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पर और जो एनिमल्स होते हैं फ्रेंड्स ये क्या करते हैं वो प्लांट्स की सीड्स को स्प्रेड आउट करते हैं कैसे देखिए एक तो जब वो प्लांट्स को खाते हैं उनका फ्रूट खाते हैं तो एक्सक्रीशन के टाइम पर उनसे सीड्स निकलती हैं दूसरा सीड्स इनकी बॉडीज पर अटैच होके भी इधर उधर ट्रेवल कर जाती है और जहां सीड्स जाती है वहां पे क्या होता है वहां पे न्यू प्लांट्स ग्रो होते हैं हेंस एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल और इस तरह से एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे पर बहुत डिपेंडेंट हैं सर्वाइवल के लिए सो फ्रेंड्स दिस वॉज आर चैप्टर एनिमल्स एंड प्लांट्स जिसमें हमने एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा तो फ्रेंड्स अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें थैंक्स फॉर वॉचिंग सीन द नेक्स्ट वीडियो बाय